अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर इलियास और आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे न्यू मेट्रो सिटी के बारे में। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो तमाम सारिफीन को, तमाम एंड यूज़र को, तमाम इन्वेस्टर्स को, तमाम डीलर्स को और बिलखसूस जो सोसाइटी के मालकान हैं। बेहतरीन किस्म की इन्होंने मार्केट के अंदर एंट्री की, उसके बाद अपने होने का सबूत दिया, अपनी मैनेजमेंट को रिटेन रखा, मार्केट के अंदर अपने प्रोजेक्ट को ज़िंदा रखा। इस चीज़ के ऊपर मैं सोसाइटी के तमाम मालकान को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बड़ा मुश्किल होता है कि सोसाइटी लॉन्च करना, सोसाइटी की पॉलिसियों को इंट्रोड्यूस करवाना, डीलर्स को इंटरटेन करना, एंड यूज़र को तसल्ली देना, उसकी सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तमाम काम जो हैं सोसाइटी के मालकान ने बहुत अहसन तरीके से सर अंजाम दिए हैं और बहुत बहुत मुबारक के लायक हैं वो। देखिए, 5 मरला आप एंड यूज़र का एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है, ऐसा प्रोडक्ट होता है कि 5 मरला हर कोई लेता है। 5 मरला ऐसा यूनिट ऐसा इनका निकला है कि इस टाइम मार्केट में वो तकरीबन 1 लाख और 1 लाख 10 1 लाख 20 प्रॉफिट के ऊपर है। बहुत सारे लोगों ने जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी है। उसके बाद अर्ली बैलेट भी हुआ है, बैलेटेड वाली फाइल आई है, उसके तकरीबन 3.5-4 लाख उसके ऊपर प्रॉफिट है। मतलब इतने शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर इन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाए तो मुबारकबाद बनती है। मैं आपसे बिला मुबालगा कोई ऐसी बात नहीं करूँगा, बहुत रेयर प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, बहुत बहुत कम ऐसा होता है कि जब सोसाइटी लॉन्च होती है तो उसके NOC के मामलात फंसे रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनकी फाइल्स नहीं बिक्री होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने करके दिखाई हैं, एंड यूज़र को उन्होंने सेटिस्फेक्शन दिलाई है, एंड यूज़र सेटिस्फेक्शन में है, सुकून में है, ये बात मानने वाली है, ठीक है। उसके बाद अभी इन्होंने कुछ पॉलिसियाँ इंट्रोड्यूस करवाई हैं। जाहिर है अब इसको दो से ढाई और तीन महीने हो चुके हैं, ये मार्केट में लॉन्च हो चुकी है और इसके बहुत सारे अच्छे जो नतायज नज़र आ रहे हैं। उसके बाद मंडी की तरफ ये लॉन्च हो चुके हैं, ज़बरदस्त कमर्शियल इन्होंने लॉन्च किए हैं, मैं उसकी तरफ बाद में आता हूँ। तो पहले से हम जो उसकी पॉलिसियाँ आजकल इन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं उसके बारे में आ जाते हैं। अच्छा, सोसाइटी ने जो पहली पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, मेरे पास डायरी में लिखा हुआ है, कहीं गलती ना हो जाए, इसलिए मैं आपको जो है वो बताता जा रहा हूँ। इन्होंने कहा है, जो पहली इनकी अर्ली बर्ड बैलेट थी उसके अंदर जो बैलेटिंग आ गई, जिन लोगों की फाइल्स बैलेटिंग में आ गई उनका तो सही समझ आ गई, 3.5-4 लाख प्रॉफिट में तो हैं। लेकिन अब जिनकी नहीं आई, उन्होंने अगले बैलेट में शामिल होने के लिए उनका क्या तरीकेकार है। सेकंड बैलेट का नाम इन्होंने स्पेशल बैलेट रखा है और उसकी तारीख इन्होंने जो 30 सितंबर रखी थी वो एक्सटेंड करके 26 अक्टूबर कर दी है। यानी कि आप 26 अक्टूबर से पहले पहले अगर आपने इसके अंदर शामिल होना है तो अपनी फाइल भी सबमिट करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो बैलून पेमेंट आ रही है, पेमेंट प्लान के अंदर बैलून पेमेंट आ रही है, वो भी जमा करानी है, तो आप स्पेशल बैलेट में शामिल होने के अहल हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद दूसरी इन्होंने पॉलिसी क्या की है, जाहिर है मार्केट के अंदर कुछ ओपन फाइल्स भी हैं, बहुत सारे लोगों ने एज ए इन्वेस्टमेंट जो है इसको रखा हुआ है और जब तक सोसाइटी की क्लोजिंग डेट नहीं आती तब तक उन्होंने ओपन रखने की भरपूर कोशिश की हुई है। लिहाजा सोसाइटी ने जो है सबमिशन की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर को करार दी है। 24 अक्टूबर के बाद 2 दिन के बाद स्पेशल बैलेट 26 अक्टूबर को अनाउंस होने जा रहा है। तो लिहाजा अगर आपने शामिल होना है तो आपने 24 अक्टूबर से पहले पहले अपनी फाइल को सबमिट करना है। तीसरी पॉलिसी उन्होंने निकाली है, अगर किसी ने फाइल ट्रांसफर करवानी है, अनबैलेटेड फाइल की बात नहीं कर रहा, अनबैलेटेड फाइल जिसने ट्रांसफर करवानी है तो वो 28 अक्टूबर तक ट्रांसफर करवा सकता है। 28 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है अनबैलेटेड फाइल को ट्रांसफर करने की। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। कंक्लूजन में सोसाइटी ने जो अपने तमाम पिछले रेट्स थे उनको 24 तारीख की आखिरी सबमिशन डेट करार दे दी है। अगर कोई मार्केट में ओपन फॉर्म है तो 24 तारीख को वो क्लोज हो जाएंगे। अगर 24 तारीख के बाद अगर किसी का फॉर्म सोसाइटी में जाता है तो वो 25 अक्टूबर के रेट के मुताबिक, यानी कि 24,50,000 के मुताबिक वो कन्वर्ट होगा, नंबर एक बात। उसके बाद उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर को स्पेशल बैलेट होगा।
26 अक्टूबर को स्पेशल बैलेट होगा, 24 को आपने सबमिशन करानी है ताकि आप 26 अक्टूबर के बैलेट में शामिल हो सकें। 24 वाले जो अनबैलेटेड फाइल्स हैं वो अपनी बैलून पेमेंट जमा करवा कर 26 अक्टूबर को जो स्पेशल बैलेट होने जा रहा है उसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद अच्छा, सोसाइटी ने अपने तमाम वादे, अपनी तमाम कमिटमेंट और अपनी तमाम कही हुई चीजों को पूरा करने के बाद नया पेमेंट प्लान भी इशू कर दिया। पिछले तमाम रेट्स क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद नए रेट्स आ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि तमाम पिछली फाइल्स, ओपन फाइल्स को क्लोज करने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर है और 25 अक्टूबर से नए रेट्स लागू हो जाएंगे। ठीक है, अब नए रेट्स क्या हैं? पहले थे 19,95,000 पांच मरला प्लॉट, अब है 24,50,000, यानी कि आपको 4.5 लाख का प्रॉफिट, 4,60,000 पे, 4,55,000 पे का प्रॉफिट जो है आपको स्ट्रेट अवे हो गया। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा बुकिंग कराना चाहता है, सोसाइटी क्या कहेगी या डीलर क्या कहेंगी? सोसाइटी कहेंगी आप 24,50 की बुकिंग करवाएंगे, वो कहेगा नहीं मैं पुराने रेट पे कराऊंगा। अब होगा क्या, मार्केट के अंदर पुराना रेट क्लोज हो चुका है, तो अब वो किसी इन्वेस्टर, किसी सारिफ के पास जाएंगे जिसके पास पुराने फाइल होगी, तो अब क्या होगा, इससे मार्केट की डिमांड क्रिएट होगी ओल्ड रेट के ऊपर। जब आपकी डिमांड क्रिएट होगी तो प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने आपको पहले बताया कि 1,00,000, 1,10,000, 1,20,000 ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा है। जब आपकी डिमांड ज्यादा क्रिएट हो जाएगी, मेरे अंदाजे के मुताबिक 2.5 लाख, 3 लाख प्रॉफिट आपके पुराने रेट के ऊपर हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब सोसाइटी ने सारी पॉलिसीज दे दी। आखिर में कहने का मकसद ये है कि ये वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने हर एक बंदे को खुश भी रखा, इन्वेस्टर खुश, डीलर खुश, मालकान खुश, मार्केट बेहतरीन, प्रॉफिट में सारी चीजें जा रही हैं, तो ऐसा प्रोजेक्ट बड़े कम देखने को मिलता है। इन्होंने कमर्शियल इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, 2.66 जनरल, 2.66 कॉर्नर, 2.66 पेयर, 5 मरला जनरल, 5 मरला मेन बुलेवार्ड, अब 8 मरला भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। मतलब इतनी सारी चीजें, इतने सारे प्रोडक्ट जो किसी भी बंदे को कुछ भी अगर चाहिए ना, तो सारा कुछ इस सोसाइटी के अंदर मौजूद है। आए अपनी इन्वेस्टमेंट अभी करें ताकि आप अपनी बुकिंग पुराने रेट के मुताबिक ही करें। अल्लाह हाफिज। टच इन मार्केटिंग, वी इन्वेस्ट इन फ्यूचर।